लोकसभा में भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राकपा सहित सभी दलों ने गुरुवार को पीठासीन सभापति रमा देवी के बारे में आजम खान की टिप्पणी की पार्टी लाइन से हटकर कड़ी निंदा की और स्पीकर से इस मामले में कठोर कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले पर शून्यकाल में निचले सदन में विभिन्न दलों पर महिला सांसदों सहित दलों के नेताओं ने अपनी बात रखी। महिला सांसदों ने स्पीकर से ऐसी कार्रवाई करने की मांग की जो नज़ीर बन सके। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि या तो आजम खान इसके लिए माफ़ी मांगे या उन्हें निलंबित कर दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न दलों के नेताओं और सदस्यों के इस मुद्दे की बात सुनने के बाद अंत में कहा कि वो सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करके इस बारे में कोई फैसला करेंगे। लोकसभा सदस्य आजम खान के आचरण पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये पुरुषों सहित सभी सांसदों पर धब्बा है। इस घटना से पूरा सदन शर्मसार हुआ है। अगर ऐसी घटना सदन से बाहर होती है तो पुलिस से संरक्षण मांगा जाता है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कुछ करके बच कर नहीं जा सकते। ये सिर्फ महिला का सवाल नहीं है। आप यानी कि स्पीकर ऐसी कार्रवाई करे कि दोबारा ऐसी बात कहने की कोई हिम्मत न कर सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि कल जो घटना हुई वो अत्यंत ही निंदनीय है। कोई महिला बड़ी कठिनाई से ऐसे पद तक पहुंचती है और उसे ऐसा अपमान सहना पड़े, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक सरोकारों से परे हटकर और एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एनसीपी की सुप्रिया सुले ने कहा कि कल की घटना के बाद सिर शर्म से झुक गया है। अगर इस पर सही कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप यानी कि स्पीकर कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने भी कहा कि ये घटना ऐसी है जो निंदनीय है। महिला के प्रति चाहे शब्द से या कृत्य से किसी तरह का असम्मान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष वनवास के दौरान लक्ष्मण जी ने सीता जी का मुख नहीं देखा। कल जो बात कही गई यानी कि आजम खान ने जो बात कही थी उससे महिलाओं की भावना आहत हुई है। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ था, इस पर कार्रवाई हो। कांग्रेस के अधीर रंजन ने भी इस घटना का गलत बताया और कहा कि इस बारे में संसद की आचार संहिता या विशेषाधिकार हनन समिति है, वो चर्चा करें। द्रमुक की कनिमोई ने कहा कि चाहे हम इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, लेकिन कल जो घटना घटी उससे सदन का अपमान हुआ है। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की मांग की। बीजत के भर्तहरि महताब ने कहा कि सदन में स्पीकर को पूरी शक्ति दी गई है, आप चाहे तो विभिन्न दलों के नेताओं से चर्चा कर सकते हैं, ये घटना माफ करने योग्य नहीं है। आजम खान से बार बार खेद प्रकट करने को कहा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बता दें कि लोकसभा में 3 तलाक पर रोक लगाने वाले प्रावधान को लेकर विधेयक पर चर्चा के दौरान बृहस्पतिवार को उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब पीठासीन सभापति रमा देवी को लेकर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की एक टिप्पणी पर भाजपा सदस्यों ने जोरदार विरोध जताया और उनसे माफ़ी की मांग की थी। आजम खान जब मुस्लिम महिला यानी कि विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पर सदन में हो रही चर्चा में भाग ले रहे थे तो पीठासीन सभापति रमा देवी ने उनसे आसन की ओर देखकर बोलने को कहा। इस पर खान ने कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की जिस पर बीजेपी के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया। पीठासीन सभापति रमा देवी भी कहते हुए सुनी गई कि ये बोलना ठीक नहीं है और इसे रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए आजम खान से माफ़ी मांगने को भी कहा। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।